से बाहर निकलने का रास्ता देखता हूँ। ये चूहों की आवाज आई कहीं से, दिखाई तो नहीं दे रहे। पानी की आवाज आई, ये किधर से आई? हो सकता है वहां से बाहर जाने का रास्ता हो। कौन हो तुम? तुम मुझे नहीं जानते, मुझे भूल गए तुम? भूल गया मतलब? कौन हो तुम? मैं संजना, तुम्हारी पत्नी। क्या? मेरी पत्नी? नहीं, मेरी शादी कब हुई? मेरी कोई पत्नी नहीं है। है, तुम्हारी पत्नी है, मैं हूं तुम्हारी पत्नी। अभी अभी कल ही तुम्हारी शादी हुई। शादी एक बहुत बड़ा दिन होता है, तुम उस दिन को भूल गए। नहीं नहीं, तुम्हारी शादी हुई है, हम दोनों पति पत्नी हैं। हमारी शादी कब हुई? हमारी शादी मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मेरी शादी कब हुई? तुम कौन हो, मैं कौन हूं, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। तुम तो अपना नाम तक भूल गए, तुम्हारा नाम राघव है। राघव? राघव, तुम अपना नाम कैसे भूल सकते हो? ये कैसे हो गया? अब समझी, ये सब उस वार की वजह से हुआ है जो उसने हम पे किया था। वार? कैसा वार? किसने किया वार? वो चुड़ैल जो तुम्हें पाना चाहती, वो वैदेही। वो हम दोनों से बहुत नफरत करती है, हम दोनों को अलग कर देना चाहती है। कौन? वो वैदेही। इसलिए जब हमारी शादी हुई तो उसे गुस्सा आ गया और उसने हम दोनों पे हमला कर दिया, और उस हमले से तुम घायल हो गए। इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आई, इस खंडर में, उसे बचा के। वो तुम्हें पाना चाहती है, वो उसने कहा था कि वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी, तुम कहीं भी छिप जाओ वो तुम्हें ढूंढ के रहेगी। और तुम्हें पता है वो तुम्हें क्यों ढूंढना चाहती है? क्योंकि वो चुड़ैल है, वो तुम्हें अपना बना के अपनी दुनिया में ले जाना चाहती है। पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। सोचा था कि दोनों मिलकर उस चुड़ैल को मारेंगे, पर अब मैं खुद ही बहुत अकेली हो गई, क्योंकि तुम्हें कुछ याद नहीं है। याद करो राघव, याद करो, उसने मुझे क्या क्या कहा था। उसने मुझे चुड़ैल कहा था। तुझे नहीं छोड़ूंगी मैं। राघव, मैं सच कह रही हूँ, प्लीज। ये लड़की दिखती कुछ और है और दिखाती कुछ और है, ये कोई और ही है। प्लीज राघव बाबू, राघव बाबू, मुझे बचा लो। वैदेही ने मुझे चुड़ैल कहा था, अब उसकी यही बात उस पे भारी पड़ जाएगी। उसकी यही बात तुम्हें मुझ पे भरोसा दिलाएगी। आज ही हम कैसी बातें कर रहे हैं? आज तो हमारी मिलन की रात थी। गुरुजी ने कहा था हमारे मिलन के बाद वो चुड़ैल हार जाएगी, पर देखो ना, ना हो के भी वो हम दोनों के बीच आ गई। हमारा मिलन ही नहीं हो सका क्योंकि तुम्हें कुछ याद ही नहीं है। मुझे थोड़ी सी थकान महसूस हो रही है, मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। हाँ, तुम आराम करो, वहाँ जाके बैठ जाओ, थोड़ा आराम करोगे तो ठीक हो जाएगा, अच्छा लगेगा। मैं यहीं पे रहती हूँ, नजर रखती हूँ, कोई आए ना। कमाल है संजना, तूने तो नायिका को खलनायिका बना दिया। हाँ, चुड़ैल तू और चुड़ैल उसे बना दिया। कहानी हो तो ऐसी। हाँ, दूसरी कहानी का ना वक्त था मेरे पास और ना मेरी आदत, तो उसी कहानी के किरदार बदल के वही कहानी सुना दी जो उसकी जानी पहचानी थी, तो खेल और आसान हो गया। बस 2 दिन, क्योंकि कल अमावस्या की बड़ी रात है। कल इस राघव को अपना बना के उसके अंश को अपनी कोख में लेना है और फिर इंसान और शैतान के मिलन से होने वाला ये बच्चा पूरी शैतानी दुनिया में राज करेगा, सबसे बड़ा शैतान बनेगा और मेरी ताकत को और बड़ा करेगा। उसके बाद मैं पूरी दुनिया में राज करूंगा। यही तो रास्ता खोलेगा तेरा और मेरा। कौन सा रास्ता गुरुजी? मैं कुछ भी करूंगी, मुझे मेरा राघव वापस चाहिए। बेटा, वो रास्ता बहुत ही कठिन है, उसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। गुरुजी, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, मैं राघव को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। बताइए वो रास्ता क्या है? बेटा, तुम जानती हो जिनसे तुम लड़ने जा रही हो वो तांत्रिक हैं, इंसान नहीं है। वो मृत लोगों की आत्माओं की पूरी दुनिया है। यदि तुम उनसे लड़ना चाहती हो तो तुम सशरीर नहीं जा सकती, तुम्हें मृत होकर ही वहां जाना होगा। गुरुजी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मृत लोगों के यही एक अंतिम रास्ता है। मैं तैयार हूं गुरुजी। बताइए ये सब कैसे करना है? तो सुनो, मैं रात के 12 बजे तुम्हारे शरीर में से तुम्हारी आत्मा निकाल लूंगा। क्योंकि रात को 12 बजे से 4 बजे के बीच शरीर बहुत कमजोर होता है और आत्माएं बहुत ताकतवर हैं। इन्हीं 4 घंटों के दौरान वैदेही को उन आत्माओं से लड़कर राघव को बचाना होगा। ब्रह्म मुहूर्त में जब वो राघव को लेकर वापस आएगी तो मैं वैदेही की आत्मा उसके शरीर में पुनः डाल दूंगा। अरे गुरुजी, ये कैसे होगा? वैदेही की आत्मा, ये मृत, उसकी जान को खतरा हो सकता है। मुझे कुछ नहीं होगा पापा जी, कहते हैं ना आत्माएं अमर होती है। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, मैं जानती हूँ वो मेरे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। एक बात याद रखना वैदेही, तुम्हारे पास केवल 4 घंटे हैं, 12 से 4। इसी दौरान तुम्हें कालासुर, चुड़ैल या फिर उसके साथी किसी एक तक तो पहुंचना ही है। हाँ, पर गुरुजी ये हम तक पहुंचेगी कैसे? इसे कैसे पता होगा कि वो शैतान है कहाँ? आत्मा की अपनी एक खुशबू है, एक एहसास है, और उस एहसास को महसूस करके इसकी आत्मा दूसरी आत्माओं को ढूंढ लेगी। बस यही एक जरिया है उन आत्माओं तक पहुंचने का। एक और बात याद रखना वैदेही, उन लोगों को इस बात की भनक तक नहीं लगनी चाहिए कि तुम्हारा शरीर जीवित है। यदि उन्हें यह पता चल गया कि तुम्हारा शरीर जीवित है तो वो तुम्हारी आत्मा को यहां वापस आने नहीं देंगे। तुम 4 बजे तक अगर यहां लौट कर नहीं आई तो ये शरीर फिर किसी काम का नहीं। तुम्हारी आत्मा इसमें पुनः कभी नहीं जा सकेगी। ठीक है गुरुजी, मैं अपने पति राघव को बचाने के लिए दूसरी दुनिया में जरूर जाऊंगी। मैं कुछ भी करूंगी, मैं अपने राघव को वापस लेकर आऊंगी। ये मेरा वादा है आप सबसे।